वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से मोस्ट वेलकम है। और इस वीडियो से हम एक न्यू चैप्टर सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर सॉल्यूशन आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के रेफरेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करूँ कि इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जनरल डेली लाइफ में सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, गर्मी का मौसम है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक्स भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ो, आप कोल्ड ड्रिंक्स को हटाओ, अगर आप जनरल आप नींबू पानी पी रहे हो, आप चीनी पानी पी रहे हो, आप ग्लूकोज वाटर पी रहे हो, कोई भी अगर ड्रिंक आप ले रहे हो जिसमें वाटर के साथ आप कुछ डिजॉल्व करके उसे पी रहे हो, तो यानी आप सॉल्यूशन पी रहे हो, आपने सॉल्यूशन का सेवन किया। कुछ ऐसे हम समझते हैं सॉल्यूशन को। अभी सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, गैस सॉल्यूशन भी होता है। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसा कि आप ब्रास के बारे में जानते हैं। ये ब्रास बनता है कॉपर और जिंक के मिलने से। कॉपर और जिंक जब आपस में मिलते हैं तो ब्रास बनता है। ऐसे ही हमारे पास एक आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर को बनाने के लिए कॉपर, जिंक और इसके साथ एक और कंपोनेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जिसे निकिल कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक आता है ब्रॉन्ज को बनाने के लिए कॉपर और टीन लेते हैं। तो अब देखो, आप ब्रास का यूज हमारे डेली लाइफ में है कि नहीं है? बिल्कुल है। जर्मन सिल्वर इसका भी यूज करते हैं, ब्रॉन्ज इसका भी यूज करते हैं। वो मेडल वगैरह जब दिया जाता है तो बोला जाता है ना कि सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये वही चीज़ें हैं। ये एग्जैक्ट में सॉल्यूशन ही होते हैं। हम दो एलिमेंट्स को मिला करके इसे बनाए हैं, दो मेटल्स को मिला करके इन्हें बनाए हैं। तो ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये तीनों आपके क्या हैं? सॉल्यूशन हैं, ठीक है। अभी एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो वाटर नॉर्मल वाटर लेते हैं, अगर आप फिल्टर वाटर ले रहे हो, आप प्योर वाटर ले रहे हो, यानी आप सिर्फ H2O का सेवन कर रहे हो, सिर्फ H2O पी रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपके वाटर में 1 ppm 1 parts per million फ्लोराइड आयन है तो यह आपके टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, यानी करता है प्रिवेंट्स टूथ डिके, ठीक है। अगर आपके वाटर में 1 ppm 1 parts per million फ्लोराइड आयन है तो ये आपके दांत को सड़ने से बचाता है, आपके दांत को खराब होने से बचाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा 1.5 ppm हो जाए, 1.5 ppm आपके वाटर में, तो ये आपके टीथ को मोटेल्ड कर देगा। क्या कर देगा? मोटेल। मोटेल का मतलब ये हो गया कि आपके दांत पर धब्बे आने लगेंगे, दांत में पीलापन आने लगेगा। ये फ्लोराइड आयन जो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है, अगर ये फ्लोराइड आयन मोर देन 1.5 ppm से अगर ये ज़्यादा हो जाता है, 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाता है, तो ये पॉइजन का काम करेगा। किसका काम करेगा? पॉइजन का काम करेगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, सोडियम फ्लोराइड का यूज हम रेड किलर के रूप में करते हैं, रेड पॉइजन के रूप में करते हैं, ठीक है, रेड पॉइजन के रूप में करते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल फिनोमिना है जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। देखते क्या है, डेली लाइफ में हम यूज ही करते हैं। अभी देखो, आप वाटर पीते हो, वाटर में अगर फ्लोराइड आयन है, कम मात्रा में है, तो दांत को सड़ने से बचाएगा। हालांकि अगर डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे, अगर दांत की संबंधित कोई रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के, दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको उसके अंदर कुछ मात्रा में फ्लोराइड आयन देगा, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, जिससे आपका दांत सड़ने से बचा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक। नेक्स्ट अपना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं सॉल्यूशन कहते किसको हैं। सॉल्यूशन को बनाने के लिए मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट से बनता है और सॉल्वेंट से बनता है। अभी क्या है, देखो, जो सॉल्वेंट होता है ये प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, या फिर लार्ज क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो, प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। अब यहां पे सॉल्यूट ये होता है कम अमाउंट में प्रेजेंट, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं प्रेजेंट इन लो अमाउंट, लो अमाउंट और लो क्वांटिटी।
अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। हमने लिया वाटर, वाटर कितना लिया 100 ml, और इस 100 ml वाटर में हम 25 ग्राम सुक्रोज मिला देते हैं। क्या मिला दिया? 25 ग्राम सुक्रोज। तो 100 ml वाटर में 25 ग्राम अगर आप सुक्रोज मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? वाटर और सुक्रोज का सल्यूशन बनेगा। ये वाटर और सुक्रोज का क्या बनेगा? सल्यूशन बनेगा। अब कोई आपसे पूछ ले कि बताओ आपने जो चीनी पानी बनाया यानी वाटर और सुक्रोज का सल्यूशन बनाया, उसमें सल्यूशन में सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? आसानी से बता देंगे, दोज हु प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। वे जो सल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में होते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर 100 ml है, ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। सुक्रोज यहाँ कम अमाउंट में है, इसलिए सुक्रोज क्या हो जाएगा? सल्यूट हो जाएगा। जनरल हम ऐसे समझते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी सल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें जो लार्ज अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट कहना, जो लो अमाउंट में होगा उसे सल्यूट कहना। बात क्लियर है? ठीक है। अब जो सॉल्यूशन का एग्जैक्ट हम डिफिनेशन देते हैं, हम ये कहते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हो गया कि उनका जो फेज है वो सेम हो। जैसे कि वाटर के अंदर अगर हमने यहाँ पे सुक्रोज यानी चीनी को मिलाया तो अब चीनी को इस वाटर के अंदर आप ढूंढ नहीं ना पाओगे, मेरी बात समझो। जैसे कि अगर एक ग्लास है, ग्लास है बाबू, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने वाटर लिया 100 ml, ठीक है ले लिया, और इसके अंदर 25 ग्राम आपने सुक्रोज मिलाया, तो सुक्रोज जब वाटर के अंदर टोटली डिजॉल्व हो जाएगा तब आप सुक्रोज के पार्टिकल को इसके ग्लास के अंदर देख पाओगे क्या? नहीं देख पाएंगे। यानी कि अब ये जो सॉल्यूशन बना वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब यही होता है कि दो लोग एक दूसरे में मिलें और उनको हम एक दूसरे से अलग पहचान न कर पाएं। ठीक है, जैसे भी ब्रांज देखा था, वो जर्मन सिल्वर देखा था, ब्रास देखा था, उसके अंदर कॉपर जिंक टिन, कॉपर स्टैनम मिला रहे थे ना, तो क्या उनको मिलने के बाद हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप जनरली रिलेट करो। ठीक है, आपने सुना होगा 20 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना। तो जो 20 कैरेट सोना होता है, 20 कैरेट सोने को मिलाने के लिए हम गोल्ड और कॉपर एक दूसरे में मिला देते हैं। गोल्ड कॉपर मिलेगा तो 20 कैरेट का सोना बनेगा। अब एक बात बताओ, सोने की क्वालिटी को कम कर दिया उसके अंदर कॉपर मिला करके, तो उस सोने के अंदर कॉपर की पहचान आप तो जनरली देख करके नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। किसी केमिकल प्रोसेस से हम ये पता कर सकते हैं इसके अंदर कॉपर है कितना अमाउंट में है, लेकिन जनरली देख करके तो नहीं पता कर सकते हाँ इसके अंदर कॉपर है कि नहीं है। वो तो सोना करके ही बेचता है, कहता है कि मेरा सोना है और ये 20 कैरेट का है, गोल्ड है 20 कैरेट का है, वो सोना कह के बेचता है, मिला तो उसके अंदर क्या है? कॉपर। ऐसी चीजें हैं। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। बात क्लियर है? सॉल्यूट किसके कहेंगे? प्रेजेंट इन लो अमाउंट, जो कम अमाउंट में होगा उसे सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के एग्जांपल के लिए हमने लिया वाटर और चीनी का मिक्सचर। वाटर और चीनी एक दूसरे को आपस में मिलाएंगे तो वाटर चीनी का सॉल्यूशन बनेगा। वाटर यहां पर ज्यादा अमाउंट में है इसलिए वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्यूट यानी चीनी यहां पर कम मात्रा में इसलिए चीनी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं सॉल्यूशन के बारे में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं और ये आप जरूर नोटिस करना। पहला जो पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। अ सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सेकंड सॉल्यूशन इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म एंड इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी क्या होगा? सेम होगा। और सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। सॉल्यूशन इज स्टेबल बिकॉज सॉल्यूट From solution
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैटर, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड। ये तीन पॉइंट हमें लर्न करने हैं। क्या क्या? पहला देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्या है, सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सोल्यूशन एक सिंगल फेज सिस्टम होता है, मतलब बता देता हूं सिंगल फेज सिस्टम का, यानी कि जैसे कि सॉलिड सोल्यूशन हमने देखा, ब्रास वाला हमने देखा था ना, ब्रास के अंदर हमने क्या मिला था, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलकर ब्रास बना रहे हैं, तो कॉपर जिंक दोनों को आपस मिलाएंगे, देखो ये सॉलिड है, जिंक भी क्या है, सॉलिड है, दोनों मिलके जो ब्रास बनाए हैं, ब्रास भी क्या है, सॉलिड है, जो हमारा बन रहा है उसके अंदर एक ही फेज होना चाहिए, मैटर का एक ही स्टेट होना चाहिए, दो स्टेट नहीं होना चाहिए। अभी देखो शुगर और वाटर के सोल्यूशन में, यहाँ पर जो सोल्यूशन बना है किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर शुगर पहले सॉलिड फॉर्म में था लेकिन जब इसके अंदर आया तो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल फेज मिला ना, थोड़ा एक बार और समझो, वाटर यहाँ पे 100 ml है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सुक्रोज 25 ग्राम है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब दोनों आपस में मिले, ये लिक्विड ये सॉलिड आपस में मिले, जो रिजल्टिंग बना वो क्या बना, लिक्विड बना ना। अब इसके अंदर तो दो फेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में ही है और इसके अंदर चीनी अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा तो नहीं है, दोनों मिलकर लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं। तो यही कह रहा है सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, सोल्यूशन जो होता है वो अपना एक सिंगल फेज सिस्टम होता है। सेकेंड, सोल्यूशन इज अ कंप्लीटली यूनिफॉर्म, सोल्यूशन जो होता है कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सोल्यूशन बना है ना, ये जो सोल्यूशन हम लोग का बना है, इस सोल्यूशन का अगर हम डेंसिटी पता करें तो डेंसिटी उसके हर एक पार्ट में सेम होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो बीकर के ऊपर जो हमारा सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी अलग होगी, बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी अलग होगी, ऐसी कोई बात नहीं बाबू, मेरी बात समझो। ये है, ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसके ऊपर की अगर डेंसिटी की बात करो, यहां अगर डेंसिटी आप इसकी चेक करोगे, यहां पे डेंसिटी चेक करोगे, अंदर डेंसिटी चेक करोगे, हर जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा, यानी कि लाइट इसके अंदर से पास करोगे, जो लाइट बेंड होगा वो हर जगह से सेम अमाउंट में ही बेंड होगा, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है। थर्ड पॉइंट हमने बताया कि सोल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है, सॉल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। सोल्यूशन स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट को नॉर्मल फिल्टर करके उसके अंदर से हम नहीं निकाल सकते। जैसे चीनी पानी का जो हमने सोल्यूशन बनाया, अब मैं कहूँ कि बाबू एक काम करो, आप एक फिल्ट्रेशन पेपर लेके आओ या फिर फिल्ट्रेशन छन्नी कोई लेके आओ और उससे आप इसके अंदर से सॉलिड को छान के निकाल लो, निकाल पाओगे? जनरली तो हम इम्पॉसिबल है निकाल पाएंगे फिल्ट्रेशन मेथड से, क्योंकि जैसे ही छानोगे तो पानी के साथ वो हमारा अपना सुक्रोज घुला हुआ है तो पानी के साथ भी वो छन के नीचे आ जाएगा। तो यही कह रहे हैं सोल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है और उसे नॉर्मल उसके अंदर से सोल्यूट को फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बारी है, अब देखते हैं इसका जनरल क्लासिफिकेशन सोल्यूशन का देखो क्लासिफिकेशन तो जनरली दो टाइप से हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन, वन मिनट, इसको मैं इरेज कर दूं, ये है मेरे पास, ठीक है, इससे इरेज कर देते हैं। सोल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, सोल्यूशन दो टाइप्स का होता है, सोल्यूशन को दो टाइप्स के हम क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, एंड सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कितने टाइप से क्लासिफाई किया, दो, पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया। पहला, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड जो है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड जिसे हम बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, इसके अकॉर्डिंग भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला अपना होता है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड होता है लिक्विड सॉल्यूशन,
सेकेंड अपना क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड जो होता है उसे हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन या फिर गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तीन टाइप्स के इसमें भी और तीन टाइप्स के इसमें भी। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से तीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के भी हिसाब से तीन टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और यहाँ पे जो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड होता है इसे भी दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड एक को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो जनरल क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स के, देखो आप मैक्सिमम बुकों में आप यही पाओगे कि क्लासिफिकेशन सिर्फ यही वाला दिया रहता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो सिर्फ ये दे रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस दे रखा है। और इनके अलग से कंपोनेंट के हिसाब से अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो पाएंगे 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये छूट जाती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, तो थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है। तो उस कमी को भी मैं नहीं रहने दूंगा, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो एक बार आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक को इसमें से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, इसको मैं इरेज करता हूं, पहले वो वाला पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे। चलिए अब एक एक उसमें से पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसमें से पहला पढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला जो है अपना वह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। इट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला कि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर। एग्जाम्पल में इसके लिए ले सकते हैं केन सुगर का उसके सॉल्यूशन के साथ। अब मेरी बात समझो आप कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कैसे है। पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, आप समझो क्या कह रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसके अंदर सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में हो, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में सॉल्यूट डालकर आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब ऐसा अगर कोई आप सॉल्यूशन बनाओगे तो जैसा कि एग्जांपल में दिख रहा है केन सुगर का उसके सॉल्यूशन के साथ, जो केन सुगर है अपने सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, यानी कि सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं। ठीक है, जनरल अगर ये बातें आपको डिफिकल्ट लग रही हो तो बस इतना याद रखो कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो एग्जांपल में देने के बाद ये समझ में आ जाएगा हाँ एग्जैक्ट होता क्या है। सेकेंड अपना है जिसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम अमाउंट में होता है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हम बोलेंगे। दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ये दो टाइप्स के होते हैं, इसमें जो पहला है उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक दूसरा है जिसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरे को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिनिमम अमाउंट में होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है कितने कैसा अमाउंट में होता है,
मिनिमम अमाउंट में होता है। ये बहुत आसान है, जैसे कि एक ग्लास वाटर लो और वाटर अगर 200 ml का है तो उस 200 ml में यदि 2 ग्राम आप सुक्रोज डालोगे, 200 ml में बस 2 ग्राम, सोचो काफ़ी कम अमाउंट में है ना। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो ज़्यादा होता है लेकिन सेचुरेटेड से कम ही होता है, यानी कि सोल्यूट में सोल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट बट स्टिल लोअर देन सेचुरेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड क्या कह रहा है, सल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट बट स्टिल लोअर देन सेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड में सल्यूट जो होगा वो लार्ज अमाउंट में तो होगा लेकिन सेचुरेटेड सोल्यूशन में जो सल्यूट है उससे कम ही होगा, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है, बात समझते हैं। सपोज कर लो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 100 ml वाटर है, 100 ml क्या है वाटर, और इस 100 ml में हम 1500 ग्राम सुक्रोज मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सुक्रोज, बात समझना। 100 ml वाटर में 1500 ग्राम सुक्रोज मिलाते हैं तो आप देखो 100 ml में 1500 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया। इस अमाउंट को और भी कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर जनरल ये काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा ये अमाउंट समझने में, तो अब चलो इसी को मैं ज़्यादा कर देता हूँ। 1000 ml में लगभग कर देते हैं इसको 2 kg कर देता हूँ, चलो 2 kg, जस्ट डबल 1000 ml में यानी 1 लीटर में, 1 लीटर H2O में 2 kg सुक्रोज मिलाते हैं, 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी मिलाया, तो काफ़ी गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा, काफ़ी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। तो जो ये सोल्यूशन बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहीं से देखो अनसेचुरेटेड बनेगा। अब अनसेचुरेटेड बनाने के लिए क्या करना है, देखो अमाउंट कितना है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर में अब इस बार 2 kg से कम डिजॉल्व करो। तो सपोज करो इस बार हमने 1.5 kg डिजॉल्व किया, 1 लीटर में 1.5 kg, तो अब देखो कंसंट्रेटेड जो हमारे पास सेचुरेटेड था, ये जो सेचुरेटेड था सेचुरेटेड से कम है लेकिन अभी भी तो ज़्यादा है, इसलिए क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 लीटर में सिर्फ हम 900 ग्राम मिलाते हैं या फिर 500 ग्राम, तो ये जो बनाएगा वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैं तीनों एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने माइंड में छाप लेना, याद कर लेना। यहाँ पर एग्जांपल में 1 लीटर वाटर में 2 kg सुक्रोज मिलाया तो क्या बोला उसे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट मिला, बहुत ज़्यादा। अब 1 लीटर पानी में 2 लीटर आपने चीनी मिला दिया तो ज़्यादा मात्रा में मिलाया ना, इसलिए सेचुरेटेड कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा आपने देखा कि अगर सॉल्यूट को कम कर दे रहा है, सॉल्यूट को 1.5 kg कर दिया लेकिन अभी भी 1 लीटर में 1.5 kg आपने मिलाया है, 1 लीटर में आपने 1.5 kg मिलाया है, तभी तो ज़्यादा है, इसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लीटर में 500 ग्राम मिलाया, 1 लीटर पानी है 500 ग्राम चीनी मिलाया, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट इससे भी कम हो सकता है कि 1 लीटर में हम सिर्फ 10 ग्राम मिला दें तब भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब इधर का इरेज करता हूँ और लास्ट अपने पास जो है सुपर सैचुरेटेड देखते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। थर्ड जो अपना है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखो इसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट से भी ज़्यादा होता है। इट मींस दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बात क्लियर है? क्या कह रहा है? दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट
प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट था अब उससे भी ज़्यादा अगर आप मिला दोगे तो उसे बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड। तो एक चीज़ मेरी बात आप याद रखना, एक कंसेप्ट कि सुपर सेचुरेटेड इतना आसानी से नहीं बनता। सेचुरेटेड में आप ऑलरेडी देखो कि 1 kg में आपने 1 liter में 2 kg हमने सुक्रोज मिला दिया है। 1 liter में 2 kg मिलाया तो क्या बना है आपका? सेचुरेटेड। अब एक चीज़ देखो, ऑलरेडी ये मैक्सिमम अमाउंट में है, इसमें और अगर आप मिलाओगे तो नहीं मिलेगा आसानी से। और ज़्यादा मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेचुरेटेड बना है इसे हम हीट कर देंगे। इसे क्या कर देंगे? हीट। जब ये 1 liter में अंदर जो 2 kg सुक्रोज डाल के बनाया गया सेचुरेटेड है इसे हीट करेंगे तो अब इसके अंदर हम एक्स्ट्रा और सुक्रोज मिला सकते हैं। सपोज करो कि इसके अंदर और हम x kg सुक्रोज मिला सकते हैं। तो अब सेचुरेटेड और एक्स्ट्रा x kg सल्यूट मिलने के बाद जो बनेगा सल्यूशन उसे बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सल्यूशन। बात समझ में आई? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तब जाके बनता है सुपर सेचुरेटेड। नॉर्मल अगर आप सेचुरेटेड में एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिलाना चाहोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। उसे आप जब हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद आप एक्स्ट्रा मिला सकते हो। तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर एक छोटा सा क्रिस्टल भी चला जाए तो तुरंत पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा भी अगर छोटा सा पार्टिकल मतलब चला जाए सुक्रोज का ना इसके अंदर, तो पूरा का पूरा जो बीकर जिसके अंदर आप रखे रहोगे अचानक से वो जमता हुआ दिखाई देगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखने। वीडियो आप देख लो फिर हम आगे बढ़। इसे इरेज करते हैं और अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो अपना हेडिंग था वो था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कंपोनेंट। तो अभी जनरल इसके बेसिस पर मैंने आपको कहा था कि 3 types के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। मैंने इसके बेसिस पे कहा था कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3। पहला आपको कहा था सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा मैंने कहा था लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा मैंने आपको कहा था गैस सॉल्यूशन। ये बोला था ना। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? एक चीज़ देखो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वह है इनका सॉल्वेंट। जिस स्टेट में सॉल्वेंट रहेगा उसी टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। कहने का मतलब, यहाँ पे अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन कह रहा हूँ तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। गैस का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो गैस फेज में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इनका पूरा चार्ट बनाते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट जो होते हैं इनको, इनके अंदर भी 3 types के होते हैं कंपोनेंट्स को जब हम लोग अलग करेंगे उसके बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टाइप्स लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला जो है अपना क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड अपना है लिक्विड सॉल्यूशन। एंड थर्ड जो है उसे बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखना ये चार्ट, इस चार्ट से ही मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर तो सॉल्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूट और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सॉल्वेंट। इनके अंदर मैंने कहा 3 होते हैं। ठीक है, इनके अंदर 3 दिखा देता हूँ, पहला जो होगा, फिर दूसरा, फिर इसके अंदर का तीसरा। इसके अंदर भी 3 होंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अंदर भी 3 मैंने कहा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल ले लेते हैं,
एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो देखो, सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही सॉल्यूशन का होगा, जैसा कि मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके जो तीनों टाइप्स होंगे उनमें जो सॉल्वेंट होगा वो किस फेज में होगा, तो सॉलिड फेज में होगा। किस फेज में होगा? सॉलिड फेज में। ऐसे ही लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो किस फेज में होगा? लिक्विड फेज में होगा। यहाँ पे होगा लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में, और इसके लिए भी क्या होगा? लिक्विड फेज में, ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे गैस सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट होगा वो किस फेज में होगा? तो गैस फेज में होगा, ये होगा गैस फेज में, ठीक है। अब एक एक बार इनके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस मिला देंगे। तो अब देखो सॉलिड के अंदर क्या मिला रहा हूँ, सॉलिड के अंदर अभी सॉलिड मिला रहा हूँ, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहा हूँ, सॉलिड के अंदर गैस मिला रहा हूँ, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला रहे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं, और लिक्विड के अंदर गैस मिला रहे हैं। यहाँ पे देखो गैस के अंदर क्या मिला रहे हैं, सॉलिड, गैस के अंदर क्या मिला रहे हैं, लिक्विड, एंड गैस के अंदर क्या मिला रहे हैं, गैस मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, एक बार देख लो आप, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जांपल, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने कहा तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सब के भी तीन तीन टाइप्स होंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा, इस बात को अपने माइंड में रखना। अब चलो सबके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये सॉल्वेंट है, आपको ऐसे सोचना है कि इसके अंदर आप इसको मिला रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, इसके अंदर लाके मिला रहे हो। तो जनरल एग्जांपल देखो, जहां पे सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाते हैं, एक एग्जांपल सोचो जहां पर सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाते हैं। ऐसा एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ये बताया था ना, ब्रास। तो ये सब जो है ब्रास जैसे कॉपर और जिंक का जो बना होता है, तो उसके अंदर कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड तो होते हैं, यानी कि इसके अंदर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, या फिर जर्मन सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्रॉन्ज ले सकते हैं। इन तीनों के अंदर सॉलिड सॉलिड के ही वो सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कहोगे सर यहाँ पे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहे हो, जर्मन सिल्वर में तो तीन आते हैं, जर्मन सिल्वर में तीन आते हैं, कॉपर, जिंक और निकिल तीनों आते हैं। तो देखो इनके अंदर एक जो होगा वो सॉल्यूट होगा, बाकी जो होंगे वो सबके सब सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है तो लोग मैं इसको ट्रिक कर दे रहा हूँ, बस माइंड में रखना मेरी बात। इसके अंदर कॉपर, जिंक और निकिल होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं, इनमें से जो एक होगा वो सॉल्वेंट होगा, बाकी जो दो होंगे वो सॉल्यूट होंगे, बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर इन सोडियम के अंदर मरकरी मिलाएंगे तो सोडियम और मरकरी का अमलगम बन जाएगा, मरकरी इन सोडियम फॉर्म अमलगम, फॉर्म अमलगम। मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, सोडियम के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? अमलगम बना लेगा। सॉलिड के अंदर क्या मिला रहे हैं? गैस। थोड़ा सा एक एग्जांपल सोचो जहां पर हम सॉलिड के अंदर गैस मिलाते हैं, पैलेडियम इन हाइड्रोजन, पैलेडियम सॉलिड के अंदर गैस मिला रहे हैं ना, सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अगला है सॉलिड के अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला रहे, तो जब लिक्विड के अंदर हम सॉलिड मिलाएंगे, ऐसा कि एग्जांपल सोचो जहां पर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाते हो, नमक और पानी, नमक क्या है सॉलिड, पानी क्या है लिक्विड, तो इसे आप बोल सकते हो साल्ट वाटर, साल्ट वाटर, ठीक है। ऐसे ही सुक्रोज वाटर भी बोल सकते हो, ग्लूकोज वाटर भी बोल सकते हो, ऐसे ही और दो तीन एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं यानी एल्कोहल विथ वाटर, एल्कोहल विथ वाटर। यहाँ पे देखो लिक्विड के अंदर गैस मिला रहे हैं, तो लिक्विड के अंदर गैस मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, CO2 इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड आप जो पेप्सी वगैरह पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। गैस के अंदर सॉलिड मिला रहे हैं यानी डस्ट, डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर। अगला है गैस के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं, गैस के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं मतलब वाटर ड्रॉपलेट इन एयर, वाटर ड्रॉपलेट इन एयर, ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी इन एयर। अब यहाँ पे है गैस के अंदर गैस, तो गैस के अंदर गैस मिलाते हैं जनरली एयर ले सकते हो,
एयर जो है वो गैसों का मिक्सचर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सिर्फ सॉल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन देखा। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।